तो रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बाहर एक गुमटी में फिटनेस के शासकीय दस्तावेज मिलने से हड़कंप मच गया। बीते दो दिनों से इस मामले पर आरटीओ के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और पुलिस भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी आरटीओ अधिकारियों और दलाल की मिली भगत की बात कह रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भिरगांव से वाहनों के फिटनेस दस्तावेज आरटीओ ऑफिस के करीब एक घुमटी में मिला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री प्रिंस सिंह परमार ने इसका भंडाफोड़ किया। दरअसल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए वाहन चालक क्षेत्रीय आरटीओ ऑफिस में एक निर्धारित फॉर्म भरकर करीब 500 से 800 रुपए की राशि पटाते हैं, जिसके बाद वाहन चालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन जब यही फिटनेस सर्टिफिकेट से संबंधित शासकीय दस्तावेज आरटीओ दफ्तर के बजाय ऑफिस के ठीक सामने बने एक घुमटी में मिलेगा तो प्रश्न चिन्ह लगना तो तय है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार 23 जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री प्रिंस सिंह परमार और उनके साथियों को सूचना मिली कि फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ दफ्तर में नहीं बल्कि एक घुमटी में बैठे गोल्डी नामक व्यक्ति के पास है। मामले की जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आरटीओ दफ्तर के सामने बने घुमटी पहुंचे और वहां मौजूद गोल्डी से तथ्यों की जानकारी मांगी। ऐसे में गोल्डी ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को गोलमोल जवाब देने लगा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उस घुमटी से फिटनेस संबंधित आरटीओ का सील लगा दस्तावेज निकाल लिया। वो भी एक दो नहीं बल्कि एक ही दिनांक के करीब 50 से ज्यादा कागजात गुमटे में मिला। यही नहीं बल्कि जिन वाहन चालकों से फिटनेस के नाम पर कितना रकम वसूला जाना है उसका भी एक लिस्ट गोल्डी के पास मिला। जब गोल्डी ने देखा कि मामला गर्मा गया है तो वहां से वो फरार हो गया, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ता खमतराई थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को इस कृत्य की जानकारी दी और एक शिकायत भी की। थानेदार द्वारा जांच किए जाने की बात कही गई। वहीं जिला महामंत्री प्रिंस सिंह परमार ने सीधे तौर पर मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। परमार का कहना है कि 800 रुपए के दस्तावेज को करीब 2000 से अधिक राशि में वाहन चालकों को दिया जाता है और वाहन चालक भी जल्द फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गोल्डी जैसे दलाल का साथ लेते हैं। देखिए, ये आरटीओ ऑफिस जो है बिरगांव रावाभाटा स्थित बंजारी मंदिर के सामने आरटीओ ऑफिस, उसके जस्ट बाहर में जो लाइन से ठेले लगे हैं उसमें से एक ठेले में ये मुझे मिला है। इसकी संख्या कम से कम 55 से 60 की संख्या में ये क्या बोलते हैं आरटीओ के पेपर्स हैं, जिनमें अधिकारियों के साइन और अधिकारियों के सील हैं, जो दस्तावेज अंदर मिलना चाहिए अधिकारियों के पास और आरटीओ ऑफिस में मिलना चाहिए वो दस्तावेज हमको बाहर ठेले पे मिल रहा है, ओवर रेट में दे रहे हैं। मित्र ने हमको सूचना दी कि इस प्रकार से यहाँ पे ये हो रहा है। जब हम वहाँ पे पहुँचे और उनसे जब हमने पूछा कि क्या ऐसा हो रहा है तो वो घबरा गए। उसके बाद जब हमने दबाव बनाया तो अपना जो ठेला है उसको छोड़ के भाग पड़े। फिर जब हमने उनमें से पेपर्स निकाले तो हमने ये देखा कि भारी मात्रा में जो पेपर्स सरकारी कार्यालयों में होना चाहिए वो बाहर में मौजूद है, एक ही डेट के पूरे पेपर हैं। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को जब रफ्तार मीडिया की टीम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पहुंचकर इसी मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलाब साहू कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उनसे जब हमारे संवाददाता ने फोन पर संपर्क कर मामले की जानकारी मांगी तो बात कुछ और ही निकली। शैलाब साहू ने कहा कि ऑफिस में युवकों ने आकर हंगामा किया और दस्तावेज को इंस्पेक्टर से छीना गया, जिसकी सूचना थाने में की गई है। साथ ही उन्होंने आरटीओ में किसी भी एजेंट नहीं होने की बात कही। लेकिन यहाँ यह बात तो साफ दिखाई दे रहा है कि आरटीओ के ठीक सामने बने गुमटी से शासकीय दस्तावेज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बरामद किया, फिर भी अधिकारी इस बात से नकारते साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस के सामने आके हंगामा कर रहे थे, इंस्पेक्टर से पेपर वेपर छीने हैं लोग, हम लोगों ने थाने में शिकायत कर दी है, आगे अब वो कार्रवाई नहीं तो वो तो बोल रहे कोई एजेंट वेजेंट ऐसा करके कोई बता रहे थे। एजेंट मतलब अब एजेंट यार बाहर जो पेपर कई लोग के जो बाहर मालिक है उन लोग एजेंट रखे रहते हैं, ऐसा है ना। तो कार्यालय के अंदर तो हमारे यहाँ कोई भी एजेंट नहीं रहता है। यदि आप वहाँ पे ऑफिस में है तो अभी भी अंदर जाके देख सकते हैं, है ना, आपको कोई भी एजेंट नहीं मिलेगा। बीच वाले गेट में आपको हमेशा ऑफिस टाइम में ताला लगे हुए ही मिलेगा। एजेंटों का ऑफिस के अंदर जो प्रवेश है वो तो अलाउड ही नहीं है।
अच्छा, तो मतलब वो कहने का मतलब ये है कि अंदर का जो दस्तावेज है वो बाहर कैसे जा सकता है सर, ये बड़ा सवाल है वो इंस्पेक्टर से लोग छीने हैं ना कल, हम लोगों ने शिकायत कराया है। आरटीओ दफ्तर के बाद रफ्तार मीडिया की टीम खमतराई थाना पहुंची, जहां थाना प्रभारी सोनल ग्वाला ने मामले पर शिकायत दर्ज होने की बात के साथ ही जांच किए जाने की बात कही। सरकारी दस्तावेज आरटीओ दफ्तर से गायब हुए 2 दिन हो जाता है और उस पर कोई ठोस कार्यवाही जब नहीं होता देख फिर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए। यह प्रदर्शन करीब घंटों चलता रहा। इधर थाना प्रभारी सोनल ग्वाला ने रफ्तार मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ अधिकारी ने ऑफिस में प्रिंस परमार द्वारा दस्तावेज छीने जाने की शिकायत की है और प्रिंस परमार द्वारा भी ये शिकायत की गई कि दस्तावेज बाहर किसी गुमटी में मिला है। टीआई सोनल ग्वाला की माने तो दोनों की शिकायत पर जाँच की जा रही है। देखिए, आरटीओ की तरफ से कल आरटीओ के अधिकारी इंस्पेक्टर यहाँ थाना उपस्थित आए थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है कि क्षेत्र में रहने वाले प्रिंस परमार और अन्य साथी द्वारा आरटीओ दफ्तर में जाके उनसे बदतमीजी की गई थी, शासकीय कारण बाधा डालते हुए उनके अन्य साथियों द्वारा। तो उसमें एक एफआईआर हम लोग किए हैं और प्रिंस जो है आरोपी है उसके द्वारा पहले एक भी लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि उसके दस्तावेज बाहर में मिले हैं, उसको भी हम लोग अपने जाँच में लेके जाँच कार्रवाई की जा रही है। जिनके शिकायत मिली है उनसे भी हम लोग जवाब मांगे हैं और जांच की जा रही है दस्तावेज कैसे बाहर आए हैं, इसके संबंध में तथ्यपूर्ण जांच होने पर ही हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल, शासकीय दस्तावेज किसी कार्यालय से बाहर मिलना और उस पर अभी तक कोई ठोस जांच न हो पाना सवालिया निशान तो लगाता है। दूसरी बात यह है कि जिसके गुमटी से दस्तावेज मिले उनसे कोई पूछताछ नहीं किए जाने पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घाल मेल का अंदेशा जताया है और आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करने की बात भी कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। रफ्तार मीडिया के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया की रिपोर्ट।